आज संडे और संडे के दिन कमेंट बॉक्स से कुछ एक क्वेरी में कवर करता हूँ। ऐसे तो हर दिन एक क्वेरी में कवर करता हूँ, लेकिन आज के दिन यहाँ पे थोड़ा क्वेरी का संख्या ज़्यादा होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि वैसे कमेंट को आपके सामने रखूँ जिसमें अधिकतर इन्वेस्टर का प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। जी हाँ, कई ऐसे क्वेरी मिलता जुलता होता है, तो उसमें से एक क्वेरी को आपके सामने रखता हूँ कि अधिकतर इन्वेस्टर का यहाँ पे जो भी कन्फ्यूजन है उसको सॉल्व किया जा सके। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कौन सा म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए बेहतर होगा, कौन से म्यूचुअल फंड को आप अपने पोर्टफोलियो से बाहर का रास्ता दिखाओ, पोर्टफोलियो का डिज़ाइन और एलोकेशन कैसा होना चाहिए, किस म्यूचुअल फंड में कितना पैसा लगाएं, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, फिनेंशियल प्लानिंग और रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पूरा डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेरी यहाँ पे दामोदर जी के साइड से है। निपोन इंडिया गोल्ड म्यूचुअल फंड में 19.5% रिटर्न है, निकल कर वापस इन्वेस्ट कर सकते हैं? आप सिर्फ रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आप रिडीम करके और फिर से री इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है। अब मान लो आप रिडीम कर रहे हो और उस म्यूचुअल फंड का NAV 100 रुपये के करीब में है, आपने रिडीम किया, अगले दिन फिर आपने री इन्वेस्ट कर दिया, तो अगर NAV सेम ही है तो फ़र्क क्या पड़ता है, आप रिडीम करके फिर से री इन्वेस्ट कर रहे हो। और देखो, अगर मैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की बात करूँ, अगर आप टैक्स हार्वेस्टिंग की बात कर रहे हो, तब आप अगर कुछ प्रॉफिट हुआ है तो उसको रिडीम करके री इन्वेस्ट कर दोगे। लेकिन ऐसे सिचुएशन में जो आपका फंड है, मैं आपको यहाँ पे एडवाइस नहीं करूँगा कि आप जो पैसा है उसको रिडीम करके और फिर से रीइन्वेस्ट कर दो। म्यूचुअल फंड में हम लंबे समय के लिए जाते हैं और जो स्पेशली गोल्ड म्यूचुअल फंड है, हम एज ए डेप्थ फंड जैसा इसको काउंट कर सकते हैं। जी हाँ, ऑन द एवरेज अगर मैं लंबे समय की बात करूँ तो 8 से 9% का रिटर्न आपको मिनिमम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो आप डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी इस म्यूचुअल फंड को आप अपने पोर्टफोलियो में कंटिन्यू रख सकते हो, लेकिन ये एक सही डिसीजन नहीं होगा कि रिडीम करके और फिर से हम री इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है, आप कुछ यहाँ पर रिडीम करके आप अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हो, बट ये एक सही डिसीजन नहीं होगा कि रिडीम करके और फिर मैं री इन्वेस्ट कर दूँ। चलिए अगले क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेरी मोहम्मद जी के साइड से, सर मार्केट कितने नीचे जाएगा, क्या जो नेगेटिव एक साल तक मिला है वो रिकवर होने में कितना समय लगेगा, प्लीज़ ज़रूर बताना। एक तो आपको बात समझना होगा, जब जब मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा है, जैसे 2020 की बात करूँ या फिर मैं 2008 की बात करूँ, जब जब मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है उस साल रिकवरी भी ज़्यादा हुआ है। तो अगर मार्केट गिर रहा है ना, तो आप इसे अपॉर्चुनिटी की तरह लो। जी हाँ, आप अपने SIP को कंटिन्यू रखो और आप सिर्फ समय का इंतज़ार करो, क्योंकि गिरने के बाद मार्केट में छलांग देखने को मिलता है। और मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ से मार्केट मूड बदल देता है, मार्केट यहाँ से रिकवर होना स्टार्ट हो जाता है, तो आपका जो म्यूचुअल फंड में नेगेटिव है ना, वो 2 से 4 दिन में पॉजिटिव देखने लगेगा। मार्केट के मूड के ऊपर है, अगर मान लो 4 ट्रेडिंग डे में ही मार्केट यहाँ पे 2 से 3 हज़ार पॉइंट का डिफरेंस दे गया, इट मीन्स कि ऊपर की ओर मूव देखने को मिला, तो भी ब्रेक इवन पॉइंट तक रिटर्न देखने को मिल सकता है, इट मीन्स कि नो प्रॉफिट और नो लॉस। और फिलहाल देखो, जो अभी नेगेटिव रिटर्न है, कुछ बहुत बड़ा नेगेटिव रिटर्न देखने को नहीं मिला है। अगर मैं एक अच्छे पोर्टफोलियो की बात करूँ, डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो की बात करूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4% का नेगेटिव रिटर्न है, इससे ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न देखने को नहीं मिला। और ये काफ़ी कम नेगेटिव रिटर्न है। अगर आपके पोर्टफोलियो में 15% का नेगेटिव रिटर्न है या 14% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, तब आपको थोड़ा सा हर एक फंड के क्वालिटी को चेक करना चाहिए। जी हाँ, आकलन करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में कि इतना नेगेटिव रिटर्न क्यों है। फिलहाल मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखो, और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि और 4 से 5 महीने का जो अंतराल है वो मार्केट में तो ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो आप इंतज़ार करो, आप अपने SIP को कंटिन्यू रखो और इस गिरते मार्केट में जितना ज़्यादा यूनिट इकट्ठा करना चाहते हो इकट्ठा कर लो। चलिए अगले क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेरी जो है वो विजय राणा जी के साइड से है। हेलो सर, आपका बात से मैं सहमत हूँ, बट विलेज में लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, उन्हें म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी नहीं है और ना ही अपने से म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते बिना किसी ब्रोकर या एजेंट के।
हाँ मैं समझ सकता हूँ। देखो अगर आपको म्यूचुअल फंड का नॉलेज नहीं है तब तो आपको एजेंट से कांटेक्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन आपको सही और गलत का डिफरेंस पता होना चाहिए। देखो आज के टाइम में मैं जहाँ तक मानता हूँ कि हर गांव में इंटरनेट का फैसिलिटी है। जी हाँ, जियो का नेट हर जगह अवेलेबल है और यूट्यूब के थ्रू आप बहुत सारे पॉइंट्स को, टॉपिक को बहुत ईजी की वे में आप समझ सकते हो। तो अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में वाकई में जानना चाहते हो तो यूट्यूब पे जाके जिस भी टॉपिक को लेके आपको कन्फ्यूजन है आप सर्च करोगे तो वहाँ पे इतने सारे वीडियो आ जाएंगे। किसी भी एक वीडियो को अगर आप पूरे ढंग से चेक कर लोगे तो एग्जैक्टली आपको बहुत सारी जानकारी ऐसे ही अवेलेबल हो जाएगा। तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपको एजेंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप एजेंट के थ्रू इन्वेस्ट भी कर रहे हो तो सही और गलत का फर्क पता होना चाहिए। लोग दूसरे पे जब ज़्यादा डिपेंड होते हैं तो कई बार उनको नुकसान भी होता है, जैसे कि सहारा में बहुत लोगों ने पैसा लगाया, अब उनका पैसा अभी तक फंसा ही हुआ है। जी हाँ, पूरा पैसा यहाँ पे रिटर्न नहीं मिला है। बहुत ऐसे गाँव में चिट फंड हैं जो डेली कोई ना कोई आपके दरवाजे पे आके इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करता है, चाहे वो 50 रुपये का इन्वेस्टमेंट हो या 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट हो, और आप उसको पैसा देते हैं। क्यों? क्योंकि विश्वास बना हुआ, आपका रिलेशन बना हुआ है, और धीरे धीरे आप बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं। अब क्या वो सही डिसीजन है, क्या वो सही इन्वेस्टमेंट है? कुछ ऐसा केस अगर देखने को मिला तो आपका पूरा पैसा फंस सकता है। तो म्यूचुअल फंड में भी अगर आप पैसा लगा रहे हो तो जानकारी तो होना चाहिए कि मेरा पैसा सही जगह लग रहा है या नहीं लग रहा है, क्या हम सही हाथ में पैसा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर कुछ गिरावट हुआ, कुछ नुकसान हुआ, मेरा पैसा गायब हो गया, तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या वो एजेंट अपने घर से पैसा देगा? नहीं देगा। आपको अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना होगा, तो इसीलिए आपको सही और गलत का फर्क समझना होगा, कुछ पॉइंट्स को समझना होगा जिसके बेसिस पे अगर आपके सामने एजेंट कोई बात भी करे कि ये म्यूचुअल फंड सही है तो आप अंदाज़ा लगा सको कि हाँ ये वाकई में सही है या नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जाके म्यूचुअल फंड से बेसिक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करो। चलिए अगले क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेरी जो यहाँ पे है, सर मैं टाटा डिजिटल में 7 महीनों से, क्या करूँ, निकल जाऊँ या होल्ड करूँ, जवाब दीजिए प्लीज़। देखिए अगर आप टाटा डिजिटल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, ये एक सेक्टर फंड है, आईटी सेक्टर फंड है, और अभी आईटी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा दबाव है। अगर आपका पूरा SIP अमाउंट सिर्फ एक फंड में लगा हुआ है तो मैं बोलूँगा कि इसको आप स्टॉप कर दें और 10 से 15% का एलोकेशन ही टाटा डिजिटल फंड में रखें। अगर आप ऑलरेडी डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो के साथ चल रहे हो और इसका एलोकेशन 10 से 15% है तो आप कंटिन्यू करो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, समय दो, पैसा बनेगा। फिलहाल अभी इस सेक्टर में दबाव देखने को मिल रहा है। चलिए अगले क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेरी जो है, सर प्लीज़ एंसर माई क्वेरी अबाउट माई बेबी गर्ल बोर्न ऑन 8/3, वेयर कैन आई इन्वेस्ट आर गिफ्ट मनी ऑफ 1.5 लाख, स्टे इन्वेस्टेड टिल सी इज 20 ईयर्स ओल्ड एंड गिव इट टू हर, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर एंसर, थैंक्स इन एडवांस। देखिए ये एक अच्छा डिसीजन है, अगर आपको कुछ भी यहाँ पे गिफ्ट मिल रहा है और बच्ची काफ़ी छोटी है तो उसके लिए आज से ही आप प्लानिंग कर लो। अगर ये 1.5 लाख रुपए को भी अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हो तो ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ 16% के रेट ऑफ रिटर्न पे 21 साल में 33 से 34 लाख के करीब में हो जाएगा, और ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। मैं दो फंड आपको यहाँ पे एडवाइस करूँगा, SBI मैग्नम मीड कैप और यहाँ पे निपोन इंडिया स्मॉल कैप। इन दो फंड में पैसा लगा के आप 21 साल के लिए छोड़ दो। जी हाँ, आपका पैसा बनेगा, लेकिन हाँ टाइम टू टाइम आप रिव्यू भी करना। फिलहाल मुझे लगता है कि इस फंड में अगर थोड़ा गिरावट भी हो तो भी आप बने रहना, अच्छा पैसा बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेरी हो भेजिए कमेंट बॉक्स में, क्वेरी जनरेट करें। आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा। हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, तभी स्टार्ट करें फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।